Namaste, मैं रेशु डोलिया एंड वेलकम टू माय चैनल मिंच रेसिपीज। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम पनीर, 8 पीस काजू, 4 पीस मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 पीस हरी मिर्च, 1 पीस अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 पीस लहसुन, 2 पीस लौंग, धनिया की पत्ती, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कस्तूरी मेथी, दालचीनी, 1 तेजपत्ता, 1 पीस खड़ी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून मक्खन, 1 टीस्पून घी और 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम लिया है। चलिए अब हम पनीर बटर मसाला बनाते हैं। तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेस्ट तैयार करना है। हमें 3 तरह का पेस्ट तैयार करना है। एक प्याज का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, काजू का पेस्ट तैयार कर लेते हैं और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये प्याज, अदरक और लहसुन को पीस लिया है। ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। काजू को हमने आधे घंटे तक पानी में भिगो दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका भी हमने पीस के पेस्ट तैयार कर लिया है और टमाटर को भी हमने पीस लिया है। इस तरह से हमने तीनों पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसे हम भूनते हैं। तो भुनने के लिए हमने सबसे पहले पैन में थोड़ा सा बटर डालकर गरम करना है। आप खाली बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है घी भी डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और बटर जो है बहुत जल्दी जल भी जाता है, तो घी के संग डालेंगे तो अच्छा रहेगा, बटर जल भी नहीं पाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमने घी और बटर दोनों का इस्तेमाल किया है। इसमें अब हम खड़े मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च डाल दिया है हमने, दालचीनी डाल दीजिए, 2 पीस लौंग डाल दीजिए और तेजपत्ता डाल दीजिए। इन खड़े मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें अब जो हमने ये प्याज का पेस्ट तैयार किया है, इसको हम पैन में डाल देंगे और पेस्ट को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट तक हम इस पेस्ट को भूनेंगे। आंच को मीडियम रखकर हम पेस्ट को भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज में से घी अलग ना हो जाए। देखिए पेस्ट ने घी छोड़ दिया है। इसमें अब हम हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और लगभग 1 मिनट के लिए हम फिर से पेस्ट को भून लेते हैं। प्याज का पेस्ट पूरी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हमने जो काजू का पेस्ट तैयार किया है, इसको भी डालकर हम अच्छी तरीके से प्याज के संग भून लेंगे। काजू के पेस्ट को भी हम 3-4 मिनट तक भून लेंगे। काजू के पेस्ट को भी हमने 3-4 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी डालेंगे। जो हमने टमाटर पीस के पेस्ट तैयार किया था, उसको भी हम डाल देते हैं और तीनों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम तब तक भूनेंगे जब तक कि पेस्ट में से ऑयल ना निकल आए। देखिए भूनते भूनते जो है ऑयल ने किनारे छोड़ दिए हैं, पेस्ट अलग हो गया है और ऑयल अलग हो गया है। अब इसे हम भुनना बंद कर देते हैं कि हमारा पेस्ट पूरी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देते हैं। पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम बॉयल होने तक पका लेंगे। देखिए पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं
और अब हम फिर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक को भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार है, अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। पनीर को हमने हल्का सा भून लिया है। आप पनीर को बटर के संग कैसे भुने यह जानने के लिए आप हमारी मटर पनीर की रेसिपी को देख सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। पनीर को भी डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी पाउडर डाल देते हैं, धनिया पत्ती डाल दीजिए और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लास्ट में हम गरम मसाला डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मसाले सारे हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए ऊपर से मलाई डाल देते हैं। मलाई को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पनीर बटर मसाला अब सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे किसी भी इंडियन ब्रेड या राइस के संग सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए। नमस्ते एंड डू विजिट माई वेबसाइट www.mintsrecipes.com।